हेलो, आज के वीडियो में हम बाली बनाना सीखेंगे बहुत ही इजी तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से फ्रंट व्यू में आती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ से रिंग रेल ली। आपको रिंग रेल लेनी है, रिंग रेल ले सकते हो। सर्कल लेना है, आप सर्कल भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रिंग रेल ली, यहाँ पे 16 mm की। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इसको ऑफसेट कर रही हूँ 2.1 एंटर। ठीक है, अभी मैंने लाइन ली यहाँ पे 0 एंटर करके इस तरह से। अभी मैंने यहाँ पे ऑफसेट लगाया 3.5 एंटर, 3.5 इस तरफ और 3.5 इस तरफ। ठीक है, पूरे को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको मैंने ट्रिम कर दिया, जो मेरा एक्स्ट्रा पार्ट है। ये है मेरे पास, यहाँ पे गैपिंग है जो मेरी यहाँ पे 7 mm है। ठीक है, अगर आपके पास कोई पिक्चर है तो आप पिक्चर के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे गैपिंग रख सकते हैं। ठीक है, ये जो गैपिंग होती है ये मिनिमम हमारे पास 5 mm होती है। ठीक है, अभी हमारा हमें लॉक बनाना है। कई बालियों में लॉक सेंटर से बना हुआ होता है, कई में साइड में, कई कई में यहाँ से बना होता है। ठीक है, तो लॉक बनाने का तरीका तो एक ही होता है सेम ही। अभी मैं यहाँ पे आपको सेंटर से बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, अगर आपके कोई पास कोई पिक्चर है और लॉक हमारा यहाँ साइड से बना हुआ है तो आप पिक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ साइड से ही लॉक बनाइए। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे सेंटर से बना के दिखा रही हूँ। मैंने ये वाला ओ स्नैप यहाँ पे ऑन किया। ठीक है, लाइन में मैंने बस यहाँ पे इसलिए लगाई है क्योंकि मेरे को यहाँ पे सर्कल चाहिए और मेरे को यहाँ पे मिड पॉइंट चाहिए था। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट मेरे पास आ गया। अभी मैंने इसका ऑफसेट लगाया था यहाँ पे 2.1 mm का। तो जितना हमने ये हाइट वाली लाइन है इसका ऑफसेट ऑफसेट है ना, जितना हमारे पास सर्कल हमने उससे 0.1 ज्यादा लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2.2 का यहाँ पे सर्कल ले लिया। ठीक है, अभी देखो, अभी मैंने इसका यहाँ पे ऑफसेट किया अंदर की तरफ 0.7 एंटर। ठीक है, ये लाइन मैंने बस मिड पॉइंट के लिए लगाई थी। ठीक है, अभी देखो, ये वॉल है मेरे पास 7 mm, 0.7, और ये है मेरे पास जो ये होलो है ये मेरे पास है 0.8। ठीक है, इन कर्व लाइन को मैंने यहाँ से ये कलर दे दिया। ठीक है, और इनको मैंने यहाँ पे हाइड कर लिया, बाद में इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी मेरे को इसको सॉलिड बनाना है, मैं यहाँ पे मेटल दे दूंगी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे प्रोफाइल प्लेसर लगाऊंगी। ठीक है, मैंने कीबोर्ड पे F6 प्रेस किया, मेरे पास ये फर्स्ट नंबर पे ही आ गया प्रोफाइल प्लेसर। इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अभी ये मेरे से पूछ रहा है हमें इसकी विड्थ कितनी चाहिए, तो विड्थ मेरे को इसकी यहाँ पे 3 mm चाहिए। ठीक है, अभी ये पूछ रहा है हाइट, हाइट तो हमने हाइट के लिए ऑफसेट कितना लगाया था यहाँ पे 2.1 mm का। तो मैं वापस से 2.1 एंटर कर देती हूँ। ठीक है, प्रोफाइल हम यहाँ से ये वाली नहीं लेंगे, मैं यहाँ से दूसरी प्रोफाइल लूंगी। मेरे पास प्रोफाइल है प्रोफाइल प्लेसर 08। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया। ठीक है, हाइट है मेरी 2.1 और विड्थ है मेरी 3 mm। ठीक है, और राइट क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये आपको अच्छे से शो नहीं हो रही है, इसका मैंने कलर यहाँ पे ये कर दिया। ठीक है, अभी देखो, अभी मैं यहाँ से राइट व्यू में नहीं, फ्रंट व्यू में आई। ठीक है, अभी मैंने इसको पकड़ा और मेरे को इन दोनों कर्वों के बीच में लाना है, तो मैंने यहाँ से ये मूव का कमांड पकड़ा, ये पॉइंट सिलेक्ट करके यहाँ पे मूव करा दिया इसको सीधा। ठीक है, तो देखो ये मेरी इन दोनों कर्वों के बीच में आ गई। अभी हम यहाँ पे स्विफ्ट टू से पॉली सरफेस बना लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्विफ्ट टू किया, फर्स्ट रेल, सेकेंड रेल, क्रॉस सेक्शन, ओके, यहाँ पे भी इसी वाली रेल को सिलेक्ट किया। देखो ये मेरे पास बन गया। अभी मेरे को यहाँ पे एक पट्टी भी लगानी होती है। ठीक है,
तो मैं वो भी यहीं से निकाल लूंगी। तो मैंने यहाँ पे मैं गई, कर्व में जाऊंगी मैं, यहाँ पे मैं सेकंड पेज पे है मेरे पास डुप्लीकेट फेस बॉर्डर, इसको सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया। ये मेरे पास यहाँ पे डुप्लीकेट फेस बॉर्डर आ गया इसका, ठीक है। अभी इसी को ही मैं सिलेक्ट स्केल कर दूंगी, ठीक है। फ्रंट व्यू में आऊंगी और यहाँ पे मैंने इसको किया स्केल 1D, ठीक है। ये वाला पॉइंट पकड़ के, ये सेकंड वाला पॉइंट सिलेक्ट करके, और इसको मैंने जितना आपको स्केल करना उतना आप स्केल कर सकते हैं। ये वैसे मिनिमम जो पट्टी होती है, मिनिमम जी इसकी लेंथ होती है वो 3 mm होती है। अगर आपके पास कोई पिक्चर है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसकी हाइट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी कर्व लाइन यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग स्केल हो गई। अभी मैंने इसको यहाँ पे कर दिया पैच, ठीक है। ये मेरे को पूरी पट्टी नहीं चाहिए, मेरे को बस ये हाफ ही चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे कट कर लूंगी, ठीक है। तो मैं फ्रंट व्यू में आई, यहाँ पे मैंने सिंगल लाइन ली, तरह से इसको इसको मैंने सरफेस को सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने स्प्लिट का कमांड पकड़ा, एंटर किया, ये मेरी कट हो गई, ठीक है। ये मेरा ऊपर का हिस्सा अलग हो गया, इसको मैंने डिलीट कर दिया, ये मेरे पास इतना हिस्सा यहाँ पे आ गया, ठीक है। आपको थोड़ा सा इसको ऊपर मूव कराना है, आप ऊपर भी करा सकते हो, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे किया ऑफसेट सरफेस अंदर की ओर 0.6, एंटर एंटर, ठीक है। तो ये मेरे पास पट्टी आ गई, और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया कैप, ये मेरे पास कैप हो गया, और इसको भी मैंने यहाँ पे कर दिया कैप। ये मेरे पास ओपन था, ये मेरे पास देखो कैप हो गया, देखो प्लास्टिक। इसको मैंने दूसरी तरफ मिरर कर लिया, ठीक है। अभी हमारे पास है, अभी मैं यहाँ पे सब लॉकिंग सिस्टम बनाऊंगी, ठीक है। मैंने ये कर्व लाइन ऑन करी, मैं फ्रंट व्यू में आई वापस से, जो ये मेरा बाहर वाला सर्कल है इसको मैंने सिलेक्ट किया, और इसको मैंने कॉपी भी कर लिया, क्योंकि कई बार इसको हम सॉलिड करते हैं तो ये सर्कल हमारा चला जाता है, ठीक है। इसको मैंने बाहर वाले सर्कल को कॉपी भी कर लिया, ठीक है। अभी मैंने इसको यहाँ से किया सॉलिड एक्सट्रूड प्लेनेट कर्व स्ट्रेट, ठीक है। दोनों को मैंने यहाँ पे पकड़ा, और इसके साथ मैंने इसको यहाँ पे बुलियन डिफरेंस कर दिया, ठीक है। ये कट हो गया, देखो वो सर्कल मेरा चला गया, इसलिए मैंने उसको पहले इसको मैंने कंट्रोल वी कर दिया, ये मेरा वापस आ गया, ठीक है। ये प्रोफाइल को भी मैंने यहाँ से हटा दिया, इसको मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, ठीक है। देखो अभी हमने यहाँ पे 3 कड़ी बनानी है, ठीक है। अभी देखो राइट व्यू में आई मैं, ये विड्थ थी ना जो हमारी, ये हमने ली थी टोटल 3 mm, तो हमने यहाँ पे 3 कड़ी बनानी है, ठीक है। तो तीनों कड़ी हमारी कितनी होगी, 1 1 mm की बनेगी, ठीक है। अभी देखो इसको पकड़ा मैंने, शिफ्ट प्रेस करके इसको पकड़ा, इसको मैंने किया सॉलिड एक्सट्रूड प्लेनेट कर्व स्ट्रेट, बोथ साइड यस किया, ठीक है। दोनों तरफ करूंगी, मेरे को ये 1 mm की चाहिए 1 कड़ी, तो मैं यहाँ पे करूंगी 0.5, एंटर एंटर, ठीक है। तो ये मेरे पास 1 mm की यहाँ पे 1 कड़ी आ गई, ठीक है। अभी इसको ही मैं सिलेक्ट करूंगी, राइट व्यू में आऊंगी, देखो ये मेरे पास 1 कड़ी आई है, इसी को ही मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगी, ठीक है। तो अभी मैंने इसको यहाँ पे किया कॉपी, ये पॉइंट पकड़ के यहाँ पे रख दिया, और इसको तो मैं सीधा मिरर ही कर लूंगी, ठीक है। तो देखो ये मेरे पास 3 कड़ी आ गई यहाँ पे, इस बीच देखो बीच वाली कड़ी को और इस वाले पूरे हिस्से को मैंने यहाँ पे ग्रुप कर लिया,
ठीक है, और बाकी जो मेरी लेफ्ट राइट दो कड़ी बच गई, और इस वाले हिस्से को मैंने यहाँ पे अलग से ग्रुप कर लिया। ठीक है, देखो ये मेरा बन गया यहाँ से लॉकिंग सिस्टम। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे इसको किया कंट्रोल जी। अभी मैं यहाँ पे डायमंड रखूंगी, ठीक है, मैं यहाँ पे पावे सेटिंग करूंगी। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ से कर देती हूँ, शेडेड करना था, शेडेड कर लेती हूँ। ठीक है, अभी मैं इतने हिस्से में यहाँ पे मतलब के डायमंड रखूंगी, और जो ये वाली बाउंड्री है ना, ये मैं छोड़ दूंगी। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे किया एक्सट्रैक्ट आइसो कर्व, यूजर कलर में ये ले लेती हूँ ताकि मेरे को लाइन अपनी अलग से ही दिखे। इसको यहीं पे प्लेस कर देती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक आइसो कर्व आ गया, इसको मैंने दूसरी तरफ, अच्छा वो दूसरी तरफ मिरर हो गया, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इस तरफ मिरर कर लिया। ठीक है, अभी देखो डायमंड मैं कहाँ तक रखूंगी। ठीक है, यहाँ पे तो मेरा लॉक बनेगा, इतना नहीं रखूंगी मैं डायमंड इतने रखूंगी, बस वो मेरे फ्रंट व्यू में ही दिखे। ठीक है, तो मैंने जीरो एंटर किया और यहाँ तक डायमंड रखूंगी सपोज मैं। ठीक है, तो एक लाइन मैंने यहाँ पे लगा दी। अभी ऊपर से भी जीरो एंटर किया और ऊपर से भी मैं कम से कम इतनी गैपिंग रखूंगी। ठीक है, यहां से इतनी गैपिंग रखी मैंने। ठीक है, तो इस तरह से मैंने लाइन लगा दी। ठीक है, अभी देखो जो ग्रीन वाला पोर्शन था उसको मैंने हाइड कर दिया। ठीक है, ये लाइनें भी मैंने यहां से हाइड की। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे फ्रंट व्यू में आऊंगी, इस पूरे को सिलेक्ट करूंगी और इनको यहां से मैं ट्रिम कर लूंगी। और ये दोनों लाइनें मैं यहां से डिलीट कर दूंगी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सरफेस बना लूंगी स्वीप टू से। अभी मैंने यहाँ पे किया स्वीप टू, फर्स्ट रेल सेकंड रेल, ये मेरे पास सरफेस आ गया। अभी मेरे को अंदर से कितना मेटल कट करना है, मतलब पावे सेटिंग मेरे को कहाँ तक करनी है। आप 0.3 भी कर सकते हो और 0.3 से ज्यादा भी रख सकते हो। मैं यहाँ से अंदर से मेटल 0.5 तक कट करूंगी। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे इसको किया ऑफसेट सरफेस। अभी मैंने इसको यहाँ पे किया बोथ साइड यस 0.5 एंटर एंटर। अभी जो मेरा ग्रीन वाला पार्ट था उसको मैंने यहाँ पे अनहाइड कर दिया। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ से इसके साथ बुलियन डिफरेंस कर दिया, ये मेरा कट हो गया। सिलेक्ट कर्व और इनको मैंने यहाँ से हाइड कर दिया। ठीक है, अभी मेरे को यहाँ पे डायमंड रखने हैं। ठीक है, मैं वापिस से यहाँ पे सेंटर वाला आइसो कर्व निकाल लूंगी। ठीक है, मैंने वापिस से यहाँ पे किया एक्सट्रैक्ट आइसो कर्व, मैं रख दिया इसको। ठीक है, ये मेरे पास आइसो कर्व आ गया, इस कर्व को पकड़ा मैंने, यहाँ पे मैंने किया F6, यहां से मैंने किया जैम ऑन कर्व, इसको मैं यहाँ पे ऊपर लेके आऊंगी। यहाँ पे मैंने इसको डाउन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। ठीक है, भी मैं यहाँ पे डायमंड देखूंगी मेरा डायमंड कितना आएगा। इसको मैंने 1.8 किया, देखो 1.8 का डायमंड ओके है यहाँ पे, और स्पेसिंग मैंने यहाँ पे की 0.1 सॉरी 0.15
एंटर। ठीक है, तो अभी मैं यहां से डायमंड रखना स्टार्ट करती हूँ। ये मेरी गैपिंग यहाँ से सेम नहीं आ रही है। एक बार मैं फिर से राइट क्लिक करा, इनको मैंने यहाँ पे डिलीट किया। कभी कभी तो इससे सही डायमंड रखे जाते हैं, पर कभी कभी नहीं आते। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे दूसरा तरीका अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से मैं यहाँ से जैम में गई और मैंने यहाँ से लिया जैम बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, एक ये वाला कर्व सिलेक्ट किया और एक ये वाला कर्व सिलेक्ट किया। स्पेसिंग मैंने यहाँ से कर दी 0.15, एंटर। देखो ये जो एरो के निशान है ना, ये हमारे ऊपर की ओर होने चाहिए, एंटर। ठीक है, इससे देख लेते हैं। देखो इससे ठीक आए हैं, बट यहाँ पे थोड़ी सी गैपिंग ज्यादा है और यहाँ पे थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो हम एक साथ सारे डायमंड को सिलेक्ट करेंगे, फ्रंट व्यू में आएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे गैपिंग कम है और यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा है। इसको हल्का सा रोटेट कर लेंगे हम। रोटेट का कमांड पकड़ा, 0 एंटर किया। और हल्का सा मैंने इसको इतना कर दिया। सॉरी, ये क्या हो गया। ठीक है, हो गया वो नहीं हुआ। एक मिनट, वापस से फ्रंट व्यू में आऊंगी। हाँ, यहाँ पे कम है और यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा है, तो मैंने यहाँ पे लिया रोटेट, 0 एंटर। यहाँ से पकड़ के उसको थोड़ा सा आगे ले आई मैं। ठीक है, यहां से ज्यादा हो गई, वहां से कम हो गई। बस इतना रखा मैंने इसको। ठीक है, ठीक है, अभी मैंने इनको सारे डायमंड्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने किया F6, यहां से मैंने प्रोंग्स किया। डायमीटर यहाँ पे मेरा 0.58 है। ठीक है, और ड्रॉप 0.2 है और हाइट 0.8 है। इतने ही रखूंगी मैं यहाँ पे। ठीक है, फ्रंट व्यू। लिया रोटेट, 0 एंटर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हमें मेटल वेट कैसे कम करें हम यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये आइसो कर्व निकाल लेती हूँ यहाँ से भी। तो मैंने यहाँ पे किया एक्सट्रैक्ट आइसो कर्व।
क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे इसको किया ऑफसेट, इसी को ही मैंने कि ये यहाँ पे 0.6 0.7 का मेरे पास मेटल होना चाहिए, इतनी बाउंड्री होनी चाहिए, थोड़ा सा इस तरफ कर दिया मैंने। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे दूसरी तरफ मिरर कर लिया, वो उस तरफ मिरर हो गया, इस तरफ मिरर कर लिया। ठीक है, अभी देखो फ्रंट व्यू में आऊंगी मैं, अभी वापस से थोड़ी देर के लिए डायमंड्स भी हाइड और प्रोंग्स भी हाइड। ठीक है, सिंगल लाइन ली, जीरो एंटर किया। ठीक है, तो मेटल वेट हम यहां तक कम करेंगे, कम से कम इतना स्पेस हम यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी मेटल वेट हम अपना यहां तक कम करेंगे, देखो इतना स्पेस में कम से कम यहाँ पे छोड़ दूंगी। ठीक है, अभी मैंने ग्रीन वाले पोर्शन को हाइड किया। ठीक है, वापिस से मैंने इसको यहाँ पे ट्रिम कर दिया। अच्छा, ये दूसरे वाला कर्व है, ये बाहर वाला कर्व आया है शायद। हाँ, ये मेरे पास ये बाहर वाला कर्व आ गया, इसको मैंने डिलीट ही कर देना है। ठीक है, डिलीट डिलीट। ठीक है, अभी मेरे पास ये आ गया, इसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, अभी वापिस से यहाँ पे हमने स्वीप टूल से सरफेस बना लेंगे। स्वीप टू, फर्स्ट रेल, फर्स्ट क्रॉस सेक्शन, सेकंड क्रॉस सेक्शन, एंटर, ओके। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, अभी इसको मैंने ऑन किया। ठीक है, देखो भी इस सरफेस को मैंने यहाँ पे दूसरी तरफ कंट्रोल जेड, दूसरी तरफ मिरर कर लिया। ठीक है, अभी यहाँ पे तो हमारे डायमंड्स रखे हुए हैं, तो यहाँ पे तो हम ज्यादा मेटल रखेंगे और यहाँ पे हम कम मेटल रखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ्रंट व्यू में आती हूँ, सॉरी। तो देखो यहाँ पे हमने लिया था 2.1 का ऑफसेट, मतलब ये हाइट हमारे पास यहाँ पे 2.1 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया ऑफसेट सरफेस, यहाँ पे मैंने बोथ साइड यस किया, और यहाँ पे मैंने 0.5 ही कम किया बस। ठीक है, 0.5, एंटर एंटर। ठीक है, देखो ये यहाँ तक मेरा कम हुआ है। ठीक है, वैसे तो आप यहाँ तक भी कम कर सकते हो मेटल वेट। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारा, मतलब के यहाँ पे हमारा अगर 1.5 का डायमंड है ना, तो कम से कम 1 mm या 1.2 mm का मेटल होना चाहिए, बाकी हम यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने पकड़ा और इसको यहाँ पे मैंने बुलियन डिफरेंस कर दिया, ये मेरा कट हो गया। अभी मैं यहाँ से ज्यादा मेटल कम कर सकती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास टोटल 2.1 है, तो मैं यहाँ पे ऑफसेट सरफेस किया, मैंने यहाँ पे बोथ साइड यस, मैंने यहाँ पे किया 1.2 किया मैंने। अगर हम 1.2 भी कर रहे हैं तो भी हमारे पास यहाँ पे 0.9 का मेटल है, और हम यहाँ पे मिनिमम मेटल कितना रख सकते हैं, 0.6। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे बुलियन डिफरेंस कर दिया, ये मेरा कट हो गया। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे करना है सिलेक्ट कर्व, और इनको मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। ठीक है, अभी मैंने इसको यहाँ से किया प्लास्टिक। ठीक है, देखो अभी मैं इसको अंदर से भी कर दूंगी, यहां से फ्लिट 2.25, एंटर।
ये मेरा एक तरफ से हुआ है, ये मेरा रह गया कंट्रोल जेड किया मैंने फ्लिटेज, ये दो लाइन थी एक ही सेलेक्ट की मैंने, यहां से भी ये दो लाइन है, एंटर एंटर। ठीक है हो गया मेरा। इसी तरह से इसको भी कर दूंगी मैं, ठीक है। अभी यहां से मेरा एक पाइप जाएगा, ठीक है। अभी मैं यहां से फ्रंट व्यू में आऊंगी, वापिस से मैं वही वाला कर्व ले लूंगी अपना, ठीक है। ये आ गया मेरा। अभी मैंने इसको कर दिया यहाँ पे ऑफसेट, दे दिया मैंने इसको ऊपर की ओर वन, एंटर, ठीक है। अभी इसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है ये मेरे पास आ गया। अभी मैंने इसको पकड़ा, यहां से मैंने किया स्प्लिट पॉइंट, यहां से ये अंदर की तरफ 0.5 तक होना चाहिए, इसको मैंने यहाँ पे स्प्लिट किया। और इसको मैंने देखो यहाँ से तो मेरा ये कट हो रहा है, इसको मैंने यहाँ पे स्प्लिट किया और एंटर कर दिया, ठीक है। अभी ये नीचे वाला कर्व मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अभी मैंने इसको यहाँ पे पाइप किया 0.9, पहले यहाँ पे मैं डायामीटर करूंगी डायामीटर, और यहां से मैंने कैप राउंड की 0.9, एंटर एंटर एंटर। ये मेरा पाइप हो गया। अभी देखो को मेरा हल्का सा यहाँ पे नीचे लेके आना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रख ले आऊंगी, ठीक है। अभी देखो इसमें जो लॉकिंग का काम होता है ना, वो लॉक ऑटोमेटिक बना बनाया होता है, वो सारा कारीगर का काम होता है, हमें कुछ नहीं करना होता, हमें बस यहाँ से इसको यहाँ से बस होलो बना के देना होता है, ठीक है। अभी मैंने इसको यहाँ पे कंट्रोल सी किया, ठीक है, इसको मैंने पकड़ा और मैंने इसको यहाँ पे बुलियन डिफरेंस कर दिया इसके साथ, तो देखो ये मेरा होलो आ गया। अभी मैं वापिस से कंट्रोल वी कर दूंगी, ठीक है। ये हम यहाँ पे जो ये होलो बना के देना होता है, ये हम 0.9 और 1 mm तक ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा का ये कान में से ये पार नहीं होता, ठीक है। तो इतना ही लॉक आता है हमारा, ये बना बनाया, इसमें हमें बस इतना ही काम करना होता है, ठीक है। ठीक है देखो रोम कहाँ चले गए।